नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी। आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में जल से भरा हुआ पूर्ण कलश को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है, जो संपूर्ण मानव समाज के लिए कल्याणकारी और मंगल प्रदाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कुंभ यानी कलश के मुख में विष्णु, गले में रुद्र, उसके आधार में ब्रह्मा तथा मध्य में मार्तिकाएं निवास करती हैं। इसी प्रकार कुंभ के भीतर समस्त समुद्र, सात दीपों वाला पृथ्वी, व्याकरण, ज्योतिष आदि अंगों सहित चारों वेद गायत्री, सावित्री, शांति, पुष्टि, संपूर्ण नदियाँ, आदित्य, विश्वदेवा, पितृगण आदि उपस्थित रहते हैं। इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के कारण कुंभ संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक और मंगल प्रदाता माना गया है। यह कुंभ अमृतमय है, इसलिए कुंभ भारतीय लोक चेतना का उच्छ्वास तथा हिंदू धर्म एवं संस्कृति की संपूर्ण साधना के केंद्रीभूत पुंज का एक मांगलिक स्थापरक प्रतीक है। यह पूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मा का भी प्रतीक है। कुंभ घट अथवा कलश भारतीय संस्कृति के जीवन की सफलता और उसकी अखंड पूर्णता का भी प्रतीक है। यही कारण है कि हिंदुओं के संपूर्ण जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंतर जितने भी संस्कार हैं, उनमें जल से पूर्ण कुंभ यानी कलश का पूजन अनिवार्य है। कुंभ का अर्थ काया यानी शरीर और आवरण यानी माया का प्रतीक भी कहा गया है, अर्थात शरीर रूपी ब्रह्मांड। यह शरीर ब्रह्मांड का लघु किंतु संपूर्ण अंश है। संत कबीर दास जी ने कहा कि वैदिक साहित्य में वह पात्र जिसमें मृतक की अस्थियां सुरक्षित रखी जाती थी, उसे कुंभ कहते थे। ऋग्वेद में माता के गर्भाशय में लौट आने की स्थिति में मृत्यु कहा गया है। भारतीय दर्शन में मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, अपितु नए रूप में लोक साधना की पूर्व स्थिति का अल्प विराम है, नए जीवन की आरंभ की मंगल वेला है। कुंभ इसी नए जीवन का प्रतीक माना जाता है। जन्म माता के गर्भ से होता है, इसलिए कुंभ यानी कलश इस प्रजनन की क्रिया से संबंध मातृका शक्ति का भी प्रतीक है। जल जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है और वह कुंभ यानी शरीर रूपी कलश में प्राण की तरह प्रतिष्ठित है। हिंदू संस्कारों में मृत्यु के पश्चात जल पूर्ण कलश यानी घट में छिद्र करके पीपल के पेड़ से टकराना तथा श्राद्ध क्रिया के पश्चात उसे फोड़ देना उस जीव की भौतिक एवं शारीरिक अस्तित्व की समाप्ति तथा उसके नवीन घर नई योनि में प्रवेश का भी प्रतीक है। इस प्रकार कलश सृष्टि क्रम में बार बार नए नए जन्म के साथ उसके पुनर्वृत्ति होने का प्रतीक है। पूर्ण कलश धारिणी अष्ट कलशों का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी है। कालिदास ने कंचन कुंभ की बात कही है। कुंभ के प्रयाग घट का प्रयोग मनुस्मृति से प्रारंभ होता है और उसके बाद उसका अर्थ देहवाची बन गया। कुंभ कलश और घट आपस में प्रयाग एक दूसरे के समानार्थी बन गए। इस प्रकार जल जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, वह कुंभ में प्राण की तरह प्रतिष्ठित है। लक्ष्मी जब समुद्र से निकली तो जल से भरे कलश से दिग्गजों ने उनका स्नान कराया। इंद्र द्वारा लक्ष्मी के अस्तवन के उपरांत दसों दिग्पाल जल से पूरित कलश से लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए प्रदर्शित किए गए हैं। कलश धारण करते हुए दिग्पाल इसी मंगल योजना के प्रतीक हैं। दार्शनिक रूप में सृष्टि के कार्य कारण संबंध को अच्छी प्रकार समझने के लिए मिट्टी का घट उपयुक्त है। घट का तात्पर्य रचना प्रक्रिया से है। प्रकृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति मानव शरीर है। इस शरीर घट का मानव जीवन के शरीर से गहरा संबंध है, इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्येक धार्मिक कार्यों में कलश का महत्व और जल से पूर्ण कलश मांगलिकता का प्रतीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आप कलश की छोटी से बातों में आज उसका महत्व समझे होंगे कि आखिर हम लोग हर शुभ काम करने से पहले जल को कलश में रख कर और तब उसकी शुभ कार्य की प्रारंभ करते हैं। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आप सबको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका महत्वपूर्ण अगर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर कोई अलग खबर के साथ, अगले खबर के साथ। बने रहें अपना लाइव डॉट न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।